एमपी के राघोगढ़ में कलेक्टर द्वारा गौशालाओं का औचक निरीक्षण किया गया। भुलाई गौशाला में गिर नस्ल की गायों के अच्छे संरक्षण हेतु सराहना की गई। धर्नावदा गौशाला में गौवंश के टैग नहीं लगे होने पर नाराजगी व्यक्त की गई। संबंधित को कारण बताओ नोटिस जारी करने के दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर श्री तरुण राठी द्वारा आज राघोगढ़ क्षेत्र में दो अशासकीय एवं एक शासकीय गौशाला का औचक निरीक्षण किया। दयोदय गौशाला आवन में 313 गौवंश उपलब्ध थे। सभी गौवंश में टैग लगे हुए थे। गौशाला अध्यक्ष श्री विमल जैन के द्वारा बताया गया कि गौशाला में नेपियर पास एवं मक्का की चरी का उत्पादन कर गायों को खिलाया जाता है। कलेक्टर द्वारा गोबर से गोनाइल एवं गोकाष्ठ बनाने के निर्देश गौशाला संचालक को दिए। इस टैग में ये निकल जा रहा है क्या? नहीं, बंधा रह रहा है। नहीं, बंधा ही रह रहा है सर, निकलता नहीं। निकलता एक बार लग जाता है वो निकलता ही नहीं। मेरे को तो कई किसान ऐसे मिले कह रहे हैं कि निकल जा रहा है। नहीं, बहुत ही कम सर, कड़क रहता है वो तो। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।